हाँ जी बच्चो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सब बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे आ गए हैं क्या एक बार जल्दी से अटेंडेंस लगाएंगे फिर हम लोग शुरू कर दें क्लास श्रुति आ गई है जी बाकी बच्चे भी एक बार अटेंडेंस लगा दो फिर हम लोग शुरू करते हैं चलिए हम शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट <coughs> आइए एक बार छोटा सा रिकॉल लें, आइए बेटा फटाफट से हम लोग क्या करेंगे जो हमारा चल रहा है, थर्ड जिसको हम लोग बोला करते हैं हमने यहां पर क्या क्या पढ़ लिया था बेटे हम लोग यहां पर कर चुके थे हमें जो टोटल करना था वो ये इंडेक्स हमारे ध्यान रखना ये चैप्टर समेटना है तरीके से तो ये इंडेक्स फॉलो करना और ये हमारे स्टडी मैट में भी दे रखी है। हमारे स्टडी मैट में थोड़ी सी चीजें ना अलग अलग जगह पर है आइए जरा तो हम लोग कर चुके थे इसकी बेसिक पूरी थ्योरी फाइनल अकाउंट किसको कहते हैं किसको बोलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या कहां पे रखना पड़ता है रिकॉर्ड्स कहां पे रखने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन कैश फ्लो भी उसका पार्ट होता है जी कैश फ्लो कब बनाना होता है कब नहीं बनाना होता है वगैरह वगैरह <laughs> फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि यहां पर कि सीए फाउंडेशन की जो एडजस्टमेंट्स हैं वो इंप्लाइड है कि हमें क्वेश्चन का पार्ट बनेगी अलग से हमें यहां पे नहीं पढ़ना हमारे स्टडीमेट में भी नहीं दे रखा जी फिर स्पेशल एडजस्टमेंट हमने चारों पढ़ी अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस यहां पर ध्यान रहे कि हमने डी टी ए नहीं पढ़ा यहां पर हमने एक्सेप्ट डी टी ए लिख लेना है कि भाई हमने अभी यहां पर डी टी ए नहीं पढ़ा इंटर में सीए इंटर में फर्स्ट ग्रुप लेवल तक

यहां पर क्वेश्चन में दिया रहेगा डेफर टैक्स तो हम लोग उसको असेट्स में लिख देंगे कहा लिखेंगे बताऊंगा और लाइब्रेटी में लिखा होगा तो हम लोग डेफर टैक्स लाइब्रेटरी को लॉन्ग टर्म लेज में लिख देंगे नॉन करंट लाइबीज में ये हमने बेटे लास्ट क्लास में पढ़ा था रिजर्व हम कर चुके हैं डिविडेंड हम लोग कर चुके हैं मैनेजर जल... कर चुके हैं यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फिर इसके बाद में भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यहां तक का हमने कर, कवर कर चुके हैं कि भैया फॉर्मेट जो है ना फॉर्मेट फॉर्मेट शेड्यूल थर्ड का बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का ये हमें पढ़ना है पहले और हम लोग बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे थे और मैंने आपको सबसे पहले बताया था क्या बताया था जी कि बेटा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में शेड्यूल थर्ड के दो पार्ट होते हैं सबसे पहला पार्ट बैलेंस शीट दूसरा पार्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहला पार्ट बैलेंस शीट दूसरा पार्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड अकाउंट तो हम लोग पहले कर रहे थे बेटे क्या balance sheet. Balance sheet का format. आज हमारे कुछ क्वेश्चन भी होंगे इस level पे ध्यान रखना जो balance sheet के से होंगे बस खाली। चलिए। तो balance sheet में हमने कहा भाई पहले ना इक्विटीज एंड लाइब्रिटीज साइड है पहली बात ये जो बैलेंस शीट है ये हमारी कौन सी है बैटे? ये हमारी इंटर लेवल की है CA inter -level की है या सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल की है, जहां पर इन डे नहीं सिर्फ accounting standard follow होते हैं बाद में यही बैलेंस शीट हमारी हमें फाइनल लेवल पे पढ़नी होती है इन के बेस पर वहां पर इक्विटीज बाद तीनों फॉर्मेट दे रखे हैं, हैं। उसमें से डिवीजन है अलग अलग तो हम जो बात कर रहे हैं वो उस डिवीजन की बात कर रहे हैं जहां पर ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है कंपनी के ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है जहां पर अकाउंटिंग लग रहे हैं छोटी कंपनीज

नॉन करंट अट्स और करंट आइए बेटा जी अब एक एक के लिए हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत होती है जहां पर हमें लगता है कि एक से ज्यादा आइटम्स वहां पर होंगे तो यहाँ पर जो जैसे शेयर होल्डर फंड्स का तो मैं हमेशा कहूंगा बेटे हमेशा एग्जाम में शेयर होल्डर फंड्स का हमेशा चाहे कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा इसका नोट बनाना ठीक है और नोट की नंबरिंग कोई फिक्स नहीं है जी यहाँ पर शेड्यूल थर्ड में एक छूट है यहाँ पर जिसका मन करे आप वर्किंग नोट बनाओ

तो उसके है तो है नहीं, कि हम हैं अभी उसका नाम नहीं हुआ हाँ लेकिन उन्होंने पैसे दे रखे एडवांस में तो वो हम क्या कहेंगे मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट कल को हो सकता है कि पास्ट ईयर में ये बैलेंस शीट में आ रहा हो लेकिन करंट ईयर में ना आ रहा हो उसकी वजह से फिर हो सकती है कि हमने उसको करंट ईयर में शेयर इश्यू कर दिए होंगे आइए आगे बढ़ते हैं

ठीक है या इसी के अंदर ही दोनों के लिए बता दिया जाएगा जैसे भी है वो उनके बारे में इस तरह से डिटेल जाएगी ओपनिंग में कितने रुपए की रिजर्व थी कितना नया एडिशन हुआ रिजर्व में और कितनी रिजर्व का यूटिलाइजेशन हुआ जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट ग्रुप में आपने पढ़ा होगा या सीएस एग्जीक्यूटिव का बच्चा बैकअप में देख रहा होगा तो मैं छोड़ दूं बेटे आपने पढ़ा होगा रिडम्पशन प्रोफेंशियर्स तो वहां पर सीआरआर बनती है है ना तो हो सकता है एक रिजर्व से दूसरे रिजर्व में जा रही हो जनरल रिजर्व से जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व से सीआरआर में जा रहा हो बैलेंस तो हो सकता है यहाँ पे रिजर्व के भी दो बैलेंसेस हो अलग अलग ए, रिजर्व रिजर्व नंबर नंबर टू एक हो जनरल रिजर्व दूसरा सीआरआर तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो एडिशन हुआ हो वो जरूरी नहीं कि पीएनएल से हुआ हो ठीक है हो सकता है वो दूसरे रिजर्व से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ कुल मिलाकर बात है सभी रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना था अलग अलग बताया जाएगा हर रिजर्व का अपना अलग नाम होगा उसमें कितना पैसे आए एडिशन तो पक्का वो बात कहीं और से रिड्यूस हो रहे होंगे या तो पी एलेशन से घट रहे होंगे या फिर किसी और रिजर्व से घटके तब यहाँ वो डिटेल की जाएगी तब जाके क्लोजिंग बैलेंस आएगा फिर प्रॉफिट अनाउंस से रिलेटेड सारी डिटेल जो है सरप्लस कितने का प्रॉफिट बच गया वो यहाँ पे मेंशन जाएगा। Next, एक यहां पर मैंने कल रोका था क्योंकि वो आपके फर्स्ट ग्रुप में नहीं है जो सी एंटर वाले बच्चे अभी हैं क्लास में उनके हिसाब से मैं क्लास ले रहा हूँ

बस ये समझ लो ये प्रोविजन जो है ये हमने शेयर होल्डर्स के लिए बनाया है और जो बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव के ये चैप्टर देख रहे होंगे मैं आपको बता दूं कि ईसोप उनको उन्होंने कर, कर लिया होगा तो ईसोप का बैलेंस यहां पर आता है बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सब प्लस में आइए जरा कल को ईसोप नहीं यूज होगा तो कहां जाएगा जनरल रिजर्व में anyway, छोड़िए जब हम ईसोप के चैप्टर में आएंगे तब उसको पढ़ेंगे चलिए फिर बात आई बेटा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर ये हमने कर लिया था फिर इसके बाद में बात आई बेटा अगला क्या नॉन करंट लैफ्टीज एंड करंट लैप नॉन करंट लैफ्टीज एंड करंट यहां पे बेटे हमें ध्यान रखना होगा कि यहां पर चार हेड है दोनों जगह पर जिसमें से शुरू सबसे पहले पढ़ेंगे पहले वाला नंबर वन फिर पढ़ेंगे तीसरे वाला फिर चौथे वाला ऐसे बेटे यहां पर ये यह बिल्कुल एक जैसे चलेंगे दोनों जगह पर कल थोड़ा सा अर्जेंटली मेरे को निकलना पड़ गया था इसलिए मैं चौथा पॉइंट लिख नहीं पाया और ना भी समझा पाया आइए जरा Short term, short term provisions, इसको लिख लो एक बार फिर बात करते हैं फोर अबो ए बी सी हाँ जी आइए जरा मैं दोबारा से बात करूंगा नॉन करंट लैब्टीज बेटे यहां पर आएंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ठीक है, फिर ए पॉइंट के बाद में उधर देखो करंट लेविटीज में क्या चलता रहेगा सर सेम देखो जैसे यहां पर लॉन्ग टर्म है ऐसे बेटे वहां पर शॉर्ट टर्म है बिल्कुल एक जैसे है। जो लॉन्ग टर्म लोन होंगे वो यहां पर आएंगे जो शॉर्ट टर्म होंगे वो यहां पर आएंगे सर लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे किसको बोलेंगे मैं अभी सिर्फ चार कंडीशन सेटिस्फाई अगर ऐसा है तो लॉन्ग टर्म सॉरी शॉर्ट टर्म अदरवाइज वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म ठीक है चार कंडीशन है क्योंकि यहां पर शेड्यूल थर्ड ने क्या किया बड़ा आसान कर दिया कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आइए जरा नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था क्या अदर लॉन्ग टर्म लेफटी जिसके लिए कोई घर नहीं है उसके लिए ये घर समझ लो या नाथालय एक तरह से जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है खुदा खुदा तो सभी के होते हैं जिसका कोई है उसका भी खुदा होता है जिसका नहीं है उसका भी खुदा होता है बात यहाँ पर है कि इसकी अकाउंट में जिसका कोई हेड नहीं है सेपरेट वो कहाँ पे आएगा अदर्स में आएगा प्रोविजन क्या लाइब्रेटी होती है नहीं प्रोविजन तो एक एस्टिमेटेड लाइब्रेटी है कि अगर हमें बताया कि लाइब्रेटी तो है लेकिन अमाउंट कितनी ये फाइनल नहीं है लेकिन उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं तो वो बन जाती है हमारी प्रोविजन तो ऐसी लाइब्रेटी जिसके लिए अमाउंट का एस्टिमेशन हो जाता है अंदाजा कितनी अमाउंट देनी है वो एस्टिमेट लग जाता है वो कहलाती है प्रोविजन

अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए जो है केलाएगा प्रोविजन बना रहे हैं फिर उसको डी पॉइंट में लिखेंगे ठीक है आइए जरा जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं हमने प्रोविजन बनाया किसके लिए <coughs> हमने कोई प्रोविजन बनाया अपने किसी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के लिए तो वो प्रोविजन बनाया और हमने क्या किया उसको उठा कर रखा कि चलो भाई इतने पैसे हमने उस, उसके लिए उठा के रख लिए लोन के लिए <coughs> और वो लॉन्ग टर्म है प्रोविजन क्यों क्योंकि हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली exactly कितने पैसे देने ऐसा कैसे हो सकता है सर लोन के केस में चलो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं रिपेयर है, है मान लिया या कोई और चीज़ है कि हमें तीन चार साल के बाद में जाके ये काम करना है लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता तो हम ऐसे केस में हम अमाउंट उठाकर कर रखते रहेंगे एक अंदाजे से ये तो पक्का है करना है लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्ट कितने का करना है तो ऐसी अमाउंट कहलाती है प्रोविजन और वो लॉन्ग टर्म के लिए है क्योंकि तो इसलिए उसको हम कहाँ रखेंगे यहाँ डी पॉइंट में सेम इज द केस विद करंट करंट करोविजन जरा उधर देखो जो लॉन्ग टर्म लोन है वो तो ए पॉइंट में आएंगे जो लॉन्ग टर्म लोन नहीं है शॉर्ट टर्म है वो कहां पे आएंगे इधर इधर करंट करंट के ए पॉइंट में अदर आएगा है ना और इधर सी के बाद में डी पॉइंट है हमारा क्या प्रोविजन बेटे ये प्रोविजन दोनों का बिल्कुल एक जैसा है बस यहां पर ध्यान रखना है कि एक में लॉन्ग टर्म लैब्टीज के लिए बनेगा और दूसरे में शॉर्ट टर्म लैब्टीज के लिए बनेगा याद करने का बड़ा सिंपल तरीका इधर लॉन्ग टर्म उधर शॉर्ट टर्म एक को याद कर ले तो दूसरा अपने आप हो गया। इधर इधर अदर 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 करंट, लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म तो उधर कितना सिंपल है, है ना? आइए जरा प्रोविजन, ऑफ कोर्स पॉइंट अपने आप याद हो जाता है कहते हैं ऊपर एबीसी के लिए जो प्रोविजन है चाहे इधर हुआ तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन करोविजन तो है, है थोड़ा सा

कि उसने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि मार्केट में प्रॉपर्टी के रेट घट भी सकते हैं जिन प्रॉपर्टीज को वो सिक्योरिटी में ले रहा था क्या कहा जिस प्रॉपर्टीज को वो सिक्योरिटीज में ले रहा था हुआ क्या एक छोटी सी कहानी बताता हूं देखिए उस बैंक ने धड़ल्ले से खूब लोन बांटे आओ भाई लोन लो प्रॉपर्टी रखो आओ भाई लोन लो और बेटे हुआ क्या वहां पर वहां पर हुआ क्या कि प्रॉपर्टी के बेस पर सब लोगों ने लोन तो ले लिए लेकिन देखा तो मार्केट क्रैश कर गई और उस उन उस बैंक के कोलेप्स होने का सबसे बड़ा कारण ये था यहाँ पर क्या कि वहां पर क्या हुआ प्रॉपर्टी की रेट गए गिर प्रॉपर्टी हो गई वैल्यू गो डाउन मान ले एक लाख रुपए की प्रॉपर्टी है कोई और वो तीस हजार पच्चीस हजार पे आ गई फॉर एग्जांपल आप बताओ बेटे अगर उसी प्रॉपर्टी को वो बेचने जाएगा कहीं और तो क्या वो एक लाख की बिक पाएगी नहीं और बंदे ने क्या किया बैंक से एक लाख

कि ये जो असेट्स और लेबिटीज का हम लोग जो सोच रहे हैं क्या कि क्राइटेरिया जो है कि भाई हम लोग नॉन करंट और करंट में बांटना शुरू कर दिया कैसे किस बेस पर वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करनी है अगर वो चार कंडीशन सेटिस्फाई तो वो लेबिटीज आएगी कहाँ पे करंट लेबिटी में यानी उनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको करंट लेबिटीज में डाला जाएगा अदरवाइज क्या होगा करंट असेट्स में सॉरी करंट

कितने का आ रहा है ये आ रहा है बेटे एक लाख करोड़ का एक लाख करोड़ का और आप अपने आप को मान लो कि आप हो बैंक आप कौन हो बेटा बैंक दो मिनट के लिए जो भी देख रहे हैं अभी ये बात में। आप अपने आप को जूम करो बैंक जो मेरे यहां लाइब्रिटी है वो आपके यहां है कि नहीं है बिल्कुल है सोच के देखो जरा ये जो लोन है एक लाख करोड़ का है ठीक है अब दो मिनट के लिए मैं कहता हूं कि बेटे इस एक लाख करोड़ को यहां से हटा करके इधर लेके चलो मैंने कहा भैया मैं एक साल के अंदर अंदर आपको दे दूंगा एक लाख करोड़ का लोन आपने मेरे को सिक्योरिटी पे दे रखा है बैंक नाम है आपका आपके यहां पर वो चीज करंट एसेट्स में आ रही है जो मेरे यहां पर करंट लैमिटी में आ रही है है कि नहीं और इधर प्रॉपर्टी के रेट गिर गए तो मैंने दिमाग लगाया मैंने कहा मैं तो दे नहीं रहा भाई भैया आप प्रॉपर्टी बेचो आपने जिसको करंट एसेट्स में दिखा रखा था सोच के देखो जरा पहले क्या क्राइटेरिया था कि एक साल के अंदर अंदर ये हमें मिल जाएगा सोच के देखो होता था ना कि 12 महीने के अंदर 12 महीने के अंदर रिलायल बेटे आपने क्या किया आपको मैं तीन साल से नचा रहा हूं पैसे दे ही नहीं रहा हूं आप फिर भी उसको अपनी करंट एसेट्स में दिखाते रहोगे दिखाते रहोगे डेटर है मेरा पैसे देने वाला डेटर है मेरा पैसे 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 देने देगा 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 लेकिन दे नहीं रहा

पहले इसको एक बार फॉर्मेट लिखा देता हूं आइए जरा <coughs> तो अभी हम पहले क्या करेंगे ली ये फॉर्मेट लिख लेंगे कि इसके बाद में हमें क्या लिखना है अब हमें लिखना है साइड क्या लिखना है बेटा हमें हमें साइड बोलो ये जो हमें लिखना है ना यहाँ पे देखो अब हम किस पे लिखने जा रहे हैं हमने चारों लिख लिया हाँ अब हम असठ साइड लिखने जा रहे हैं तो पहले फटाफट से हेडिंग डालेंगे <coughs> क्या हेडिंग डालेंगे असट साइड पहले एक बार इसकी नोटिंग कर लेते हैं फिर यहीं पे क्वेश्चन शुरू करेंगे असेट्स असेट्स बेटे दो पार्ट में है यहां पर एक तो सबसे पहले जो है हमारा जो नोट्स नोट बनेगा किसका बनेगा रुको ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिखेंगे कैसे ये हमारा जो है ये किस चीज का नोट है हमारा ये है नॉन करंट असेट्स का इसमें भी करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की फिगर आएंगी इसको मैं अभी समझाऊंगा नहीं पहले मैं फटाफट से लिखा देता हूं नोट किसका बेटा नॉन करंट असेट्स का नॉन करंट का, <coughs> लिखवा इसलिए रहो पहले कि ताकि आप सीक्वेंस ना मिस कर जाए <coughs> लिखो बेटा एक बार पार्टिकुलर्स करंट ईयर प्रीवियस ईयर A point property, plants, and equipments. Property, plants, and equipments. Property, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स क्या होती है अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा पहले मैं आपको नॉन करंट एसेट्स से पहले करंट असेट समझाना चाहता हूं <coughs> लेकिन सीक्वेंस मिस ना हो इसलिए पहले मैं लिखा रहा हूं नंबर वन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पहले लिख लो फॉर्मेट को लिख लो इसके अंदर लिखो कोस्ट माइनस एक्ूमलेटेड डेप्रिशिएशन यानी बेटे प्रोविजन फॉर डेप्रिशन जिसको आप बोलते हो एक्यूमलेटेड डेप्रिशिएशन जितनी भी अमाउंट रहेगी यहां पर दूसरा नंबर टू इंटेंजिबल असेट्स इनटेंजिबल फिक्स असेट्स दो तरह के हमारे फिक्स असेट्स हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल यहां पर बेटे एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है मैं अभी उसको समझा नहीं रहा बस यहां पर एक छोटा सा फॉर्मेट खींच के छोड़ रहा हूं हालांकि हमारे एग्जाम के हिसाब से ये मुश्किल ही पूछा जाएगा क्योंकि ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ध्यान रखना ये पिछली बार के अमेंडमेंट है जो एक अमेंडमेंट मैंने पहले आपको बताई थी वो कहां बताई थी कि यहाँ पर आई है वो हमारे लिए पूरी पूरी इंपॉर्टेंट है कि वो एग्जाम में पूछी जा सकती है बताऊंगा वो क्या है दोबारा से बताऊंगा लेकिन यहाँ पर एक अमेंडमेंट बेटे यहां पे आई थी मैं स्टार लगा दूंगा जहां जहां पे अमेंडमेंट आई थी और वो अब हमारे एग्जाम के लिए अपलिकेबल है और वो अमेंडमेंट यही है कि ये शेड्यूल यहाँ पर एक थोड़ा था एक स्टेटमेंट इंसर्ट किया गया है अभी मैं आऊंगा डोंट वरी अभी मैं आऊंगा और मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा छोटा था ठीक है ये पूरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है हमारे अगर आई तो ये एग्जाम में मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी में आनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ज्यादा रिलेवेंट है कहीं ना कहीं लेकिन आई है अमेंडमेंट तो ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एग्जाम में पता चला आप कहो कि सर आ गई तो <coughs> 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 वो नहीं होना चाहिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नंबर फोर्थ इंटेंजिबल <laughs> assets <clears throat> under development <laughs> तो हमने क्या क्या लिखा थी हमने अभी नॉन करंट एसेट्स में पहला पॉइंट लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट <laughs> बेटा ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ध्यान रखना ये सिर्फ टेंजिबल के लिए बात करता है इन दोनों के लिए इधर बी पार्ट क्या बी पार्ट बल्कि इसको ना ऐसे लिखो <coughs> एक काम कर लो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को कर दो ऊपर ये जो है ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को कर दो ऊपर ये कर दो नीचे इंटेंजिबल वाला नीचे कर दो क्योंकि सीक्वेंस यही कहता है क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो वर्ड है वो टेंजिबल के लिए है या पैसा कर दो इसको लिखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ठीक है और ये जो ए पॉइंट है ए पॉइंट इसको ऐसे लिखो ए जूम करूं जूम करके दिखाता हूं रुको ए पॉइंट इसको लिखो फिक्स्ड असेट्स क्या फिक्स्ड असेट्स क्या बोलोगे फिक्स्ड असेट्स ये पहला पॉइंट है फिक्स्ड असेट्स ठीक है इसके अंदर हमारा ये पहला पॉइंट है टेंजिबल के लिए वर्ड यूज किया गया है नंबर वन ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दूसरा वर्क वर्ड है कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस तीसरा वर्ड है नंबर थ्री सॉरी फिर है थोड़ा सा आपको परेशान होना पड़ेगा वर्क ये हमारा <coughs> इनटेंजिबल काम करूं क्या <coughs> इसको भी हटाई दूं, बस आप ये समझ लो अमेंडमेंट आइए मैं इसको अलग से बता दूंगा वो नहीं बड़ी दिक्कत कर देगा यहाँ पे आपको जगह कम पड़ेगा हाँ जी लिखो इनटेंजिबल असेट्स नंबर फोर्थ पॉइंट ऐसा कर लो अमेंडमेंट जो आई मैं बता दूंगा इसमें यहाँ स्टार लगा लो बस हाँ जी <coughs> इंटेंजिबल के बाद में इंटेंजिबल डेवलपमेंट क्योंकि ये चारों के चारों क्या होती है बेटे फिक्स होती है और उसमें दो तरह की होती है एक होती है टेंजिबल टेंजिबल <coughs> वाले को बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और दूसरी होती intangible. ये है जरा अस टेन में बातें आती हैं नेक्स्ट इसके बाद में हम लिखेंगे बी बी पॉइंट पहला पॉइंट हमारा कौन सा था बोलो ए पॉइंट था हमारा फिक्स सेट्स अब हमारा कौन सा पॉइंट है बेटा बी पॉइंट ये क्या है जी हमारा ये है जी हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स फिर इसके बाद में अगला पॉइंट हाँ जी, अभी बेटा अगला पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था बताऊंगा डेफर टैक्स असेट्स कहाँ पे आता है मैं लिख रहा हूँ उसको डी टी ए डेफर टैक्स असेट्स लेकिन बेटे इसको आप ध्यान रखना अभी मैं समझा नहीं रहा हूँ आपको इसके इसके बारे में ठीक है बेटा डेफर टैक्स असेट्स याद है वो वहां पे नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आया हुआ था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद में सेकंड पॉइंट बी पॉइंट आइए जरा हाँ जी deferred tax assets deferred tax assets नेक्स्ट एक वर्ड जोड़ लेना यहाँ पे साथ में नेट अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप इसके बारे में ना पढ़ो हमारे फर्स्ट कुक के एग्जाम तक या सीएस एग्जीक्यूटिव जो बच्चे बैकअप देख रहे होंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है सेम चीज यहाँ पे रिलेवेंट है क्या कि सिर्फ हमें तो क्वेश्चन में देगा और हम लिख देंगे डी <coughs> पॉइंट आई बेटा डी पॉइंट ये है हमारा अगला है हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसिस बेटा ध्यान रखना ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि बाकी तो जगह पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी और वो इसी के ऊपर बेस्ड होगी आइए <laughs> जरा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट में है जी अपना ई e पॉइंट जिसका कोई घर नहीं उसका अदर होता है अकाउंट्स में अदर नॉन करंट असेट्स मैं इन पर आऊंगा दोबारा से समझाने के लिए पहले मैंने इसको नोट करा दिया कहीं सिक्वेंस आपका इधर उधर ना हो जाए इसलिए बस हमें क्या करनी है सबसे पहले करंट <coughs> असेट्स की नोटिंग तो अगला जो हेड है वो हमारा कौन सा होगा अगला जो हेड है हमारा वो कौन सा होगा बेटा करंट असेट्स का तो मैं शुरू करूं लो बेटा जी नेक्स्ट <coughs> वाला नोट है हमारा करंट असेट्स करंट आई जी <coughs> तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया है प्लीज एक बार मुझे जल्दी से बताएं यहां तक नोट कर लिया है फिर मैं चलू आगे पार्टिकुलर्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर एक बार मुझे प्लीज जल्दी से बताओ नोट नोट कर लिया है कि नहीं okay. <coughs> आइए जरा बेटे अब है करंट असेयर अब इसमें बेटे क्या है इसमें भी चार पार्ट है चार नहीं सॉरी पांच आइए सबसे पहली बात है यहां पर क्या करंट इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट्स करंट इन्वेस्टमेंट्स पहला पार, पहला पॉइंट एक बात ध्यान रखना करंट इन्वेस्टमेंट क्या होगी या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होगी वो ये बताएगा शेड्यूल थर्ड सर हमने तो पढ़ रखा है इन्वेस्टमेंट का चैप्टर सर तो बेकार पढ़ा क्या नहीं <coughs> जो ए एस थर्टीन है बेटा ए एस थर्टीन आपको जो बताएगा वो क्या बताएगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन याद है वहां पे क्या नाम था अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यूएशन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग तो <coughs> में जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे उसकी क्या वैल्यू आएगी क्या वैल्यू आएगी बहुत ध्यान से पढ़ना इसीलिए मैं बोलता हूं कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली वाली क्लास बेटे वहां पर आपने क्या क्या पढ़ा था बताओ <coughs> वहां पे हमने सर पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म होते हैं अच्छा हाँ क्या क्या पढ़ा था मैं मुझे बताओ जरा सर एक तो हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म है एक हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म है <coughs> मैंने कहा और कि क्लोजिंग बैलेंस में फर्क पड़ता था शॉर्ट टर्म की वैल्यू कैसे आती थी ये बताओ बेटा कि सर शॉर्ट टर्म की वैल्यू वहां पर आ रही थी कॉस्ट और एनआरवी

मैंने लिखना जरा एक बार इस बात को इस बात को फटाफट से चार्ट पे लिखो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन लिख लो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे डिसाइड करते थे शॉर्ट टर्म कब बोला करते थे हम लोग वहां पे मतलब करंट इन्वेस्टमेंट हम लोग कब बोला करते थे कि अगर रियलाइजेबल <coughs> है मतलब वहां पे क्या है हेल्ड फॉर सेल है ना uh, या रियलाइजेबल उसको हम बोलते थे कि रियलाइजेबल जो है रियलाइजेबल जो सेल हो जाएंगे रियलाइजेबल इंटेंडेड टू सेल ऐसे लिखो आपने वहां पर वर्ड लिखा था इंटेंशन जो है हमारी वो क्या है इंटेंडेड टू सेल इन ट्वेल्व मंथस हाँ जी कहां से कहा से फ्रोम डेट ऑफ एक्विजिशन डी ओ ए बेटा डेट ऑफ एक्विजिशन आपने लिखा था डेट ऑफ एक्विजिशन जिस डेट को खरीदा लिख लो बेटा यहाँ पे देसी भाषा में एकदम बिल्कुल खरीदा जिस डेट को खरीदा उससे 12 महीने हम लोग चेक किया करते थे उसके बेस पे डिसाइड करते थे हम लोग वहां पर कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है थोड़ा सा ध्यान देना बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्या मतलब सर फिर वो चैप्टर क्यों पढ़ाया जाता है बेटे वो चैप्टर पढ़ाया जाता था वैल्यू को निकालने के लिए क्लोजिंग वैल्यू वो क्लोजिंग में जो वैल्यू आएगी बैलेंस हाँ, वैल्यू निकालने के लिए जगह पर दो अलग अलग विचार के लोग रह सकते <coughs> अभी फिलहाल हमें करना क्या है वहां पर वही करना है जो चैप्टर करा रहा है 13. अच्छा, वो वैल्यू निकाल करके हम लोग यहाँ पर करंट में रखें या शॉर्ट टर्म में रखें अभी आपका मन पता क्या कर रहा होगा सर सिंपल है सर सर क्या अरे सर, यहाँ पर टर्म आएंगे मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो और सर लॉन्ग टर्म पे आएंगे सर ये रहे ऊपर देखो नॉन करंट यहां पर आएंगे लॉन्ग टर्म मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप अभी तक की नॉलेज के हिसाब से आप बिल्कुल सही कह रहे हो एक्चुअली यहां पर आपको अभी मैं जब पढ़ाऊंगा क्या करंट अट्स के लिए डिसाइड करने के लिए चार कंडीशन कि उनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो हमारा करंट एसेट्स बन जाती है <coughs> तो अगर अगर उन चारों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो बावजूद इसके कि इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर उसको लॉन्ग टर्म बोलता है वो लॉन्ग टर्म हमारा यहां शॉर्ट टर्म में आ जाएगा बावजूद इसके <coughs> सर ऐसा क्यों मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं बेटे ध्यान से क्या <coughs> मान लिया एक दूसरा दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे या फिर शॉर्ट टर्म हमारा लॉन्ग टर्म में बदल जाएगा कैसे सर देखो बेटा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ <coughs> एक इन्वेस्टमेंट है जो हमने खरीदा जो हमने खरीदा वो हमने कब खरीदा कि भाई हमने खरीदा एक ईयर है एक यहीं पे एग्जाम्पल लेता हूँ एक ईयर है ये रहा हमारा जो कहाँ से शुरू है एग्जाम का लू तो एक चार इक्कीस से लेकर के इकतीस मार्च बाईस तक का एंडिंग ईयर आएगा ठीक है हमने कहा भाई हमने ना ये यह यहाँ पे खरीदा कब खरीदा जी आ, 30 जुलाई 30 जुलाई 2021 को हमने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा और एएस 13 ये कहता है क्या कहता है एएस 13 ये कहता है कि भाई नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन नेक्स्ट 12 मंथ्स हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे कब बताओ बेटे सर जब हमने खरीदा यहाँ पे 30 जुलाई को तो 12 महीने तो सर <coughs> 29 जुलाई 2022 तक खत्म हो रहे मैंने कहा बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो मैंने कहा बेटे अगर मान लिया ये इन्वेस्टमेंट हमारा रियलाइजेबल है इंटेंडेड टू बी होल्ड है कितना 15 मंथ्स कितना 15 मंथ्स 15 मंथ्स कितना होता है जरा डेट काउंट करना एक बार डेट काउंट करो <coughs> जुलाई के बाद में अगस्त सितंबर अक्टूबर मतलब बेटे

बैलेंस शीट डेट ये क्या कहता है कि भाई साहब बैलेंस शीट डेट के अगले 12 महीने के अंदर कोई चीज रियलाइजेबल है तो वो मेरी करंट कहलाएगी बैलेंस शीट डेट के 12 महीने के अंदर बेटे जरा देखना एक बार यहां पर बैलेंस शीट डेट कहां तक बैठती है ये रहा सर बैलेंस शीट डेट तो सर 31 मार्च 2023 तक जाके बैठेगी मैं वही तो कह रहा हूं आपसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा हमें <coughs>

तो ये बावजूद इसके कि वो वहां पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसकी कोस्ट पर वैल्यू होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से वहां पे वेल्यूशन होगा यहां पर हम उसे बैलेंस में किस जगह पे रखेंगे क्योंकि रिलाईजेबल इन कैश है तो इसलिए बावजूद इसके कि ये उसको टर्म बोलता हम उसको कहां में, कहां में, में. <coughs> तो कुछ चीजें हैं आपको जो मुझे यहां पे बतानी है कंबाइंड रीडिंग से ही वो बात बनती है

इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट बेटा बी पार्ट आज बहुत हेल्दी डिस्कशन है आपके साथ में तो जीवन भर वाला डिस्कशन आइए बेटा तो नेक्स्ट है पॉइंट हमारा इन्वेंट्री इन्वेंट्रीज बेटे शेड्यूल थर्ड के अंदर जो करंट एसेट्स है उसके फॉर्मेट में दूसरा है क्या हमारा इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज बेटे कौन कौन सी सारी आपका रॉ मेटीरियल आपका वर्क इन प्रोग्रेस आपका फिनिश्ड गुड्स ध्यान रखना इसकी वैल्यू कौन डिसाइड करता है इधर वैल्यू कहाँ से आएगी वैल्यू ए एस वाली बेटे इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी ए एस वाली ए एस बताएगा वैल्यू इनमें कोई क्लैश नहीं है जी इनमें कोई भी क्लैश नहीं है जी चार्टर्ड <coughs> बनने जा रहे हो तो जब तक आप पूरी चीज को एक साथ उठाने के लिए क्षमता नहीं रखते तो बेटे फिर सॉरी

प्रोफेशन uh, को लेके कहीं ना कहीं थोड़ा सा uh, एक डेडिकेशन की वजह से बात बोल रहा हूं आइए सी पॉइंट सी पॉइंट सी पॉइंट बेटे नेक्स्ट है हमारा यहां पर ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल और इसके अंदर क्या है बेटा हमारा हमारे डेटर्स और हमारा बिल्स रिसीवेबल <coughs> ये दोनों चीजें सर इन पे कोई ए एस लगता है क्या मैंने कहा नहीं बेटा इन पे कोई एस नहीं लगता है कोई नहीं अगर थोड़ा बहुत भी बात होती है तो मैं आपको एक हल्का सा हिंट देता हूँ ए एस नाइन लगेगा थोड़ा सा अब आप कहोगे सर इस पे भी ए एस लगा दिया क्या बात <coughs> कर रहे हो मैंने कहा ए एस नाइन लगता है बहुत कम लोग इस बात को लिंक कर पाएंगे ए एस नाइन आगे जाके आप पढ़ोगे वहां पर बेटे ये कहते हैं कि अगर प्रोडेंट्स की बात माने और कंजरवेटिव की बात वहां पर ए एस नाइन में लिखी हुई है कि अगर फ्यूचर में कोई होने वाला लॉस है तो आप उसका क्या करो इमीडिएटली बुक कर लो फ्यूचर में होने वाले का फायदा है तो उसको अभी बुक करो <coughs> वहां पर दो चीज लिखी थी रिवेन्यू रिकॉर्ड करो सेल को तब रिकॉर्ड करो जब श्योर हो, हो जाओ पैसा आए ठीक है मान लिया कोई आदमी शरीफ था और हमने क्या किया रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ भाई हमारा डेटा शरीफ है पैसा दे देगा तो ठीक है हमने एंट्री डाली डेटा डेबिट टू सेल्स लेकिन बाद में वो शरीफ नहीं रहा यानी कि

मतलब आप समझ लो कि अगर आप इस चैप्टर को मुझसे करने के बाद में तुरंत जाकर के कहीं किसी अपने दोस्त के साथ में ऑफिस में बैलेंस बनाएंगे ना आप जाके बहुत अच्छे से उसके साथ में पूरी इक्वलिटी मतलब कंपटीशन करोगे कि हाँ भाई मैं भी बैलेंस बना सकता आइए डी डी पॉइंट पॉइंट तो पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा करंट इन्वेस्टमेंट दूसरा इन्वेंट्री तीसरा ट्रेड रिसीवेबल आइए बेटा फिर जो अगली बात है वो है हमारी यहाँ पर कैश एंड कैश 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 एंड इक्विल्विलेंट बेटे इसमें क्या क्या चीजें आती हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? बेटे यहाँ पर हमारा कैश चाहे वो इन हैंड है चाहे वो कैश एट बैंक है चाहे हमारा बैंक का बैलेंस है ठीक है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो हमारा यहां पर आएगा जो कैश के इक्वलेंट है ठीक है आइए जी ये यह हमारा यहां पर आएगा और बेटा नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अभी मैंने बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं की है कंडीशंस वाली अब मैं कंडीशंस पे आऊँगा ई e और फिर क्या है एफ कि कब हम बोलेंगे किसी चीज़ को कि यहाँ पर लिखना है क्योंकि कुछ चीज़ आप देखोगे तो वो दोनों जगह पर है दोनों जगह पर है आप देखोगे आप ये भी देखोगे कई बार तो हम डेटर्स को भी कहाँ पर लिख रहे होंगे बैलेंस उसमें नॉन करंट एसेस में आप कहोगे ये क्या बात हुई हाँ वही तो कुछ कंडीशन है जिनके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये नॉन करंट पाएगा कि करंट पाएगा पॉइंट e देखते हैं जरा पहले ई पॉइंट देखें पॉइंट लो बेटा जी ई पॉइंट है हमारा शोर्ट टर्म क्या कहा मैंने बेटा शोर्ट टर्म शोर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस शोर्ट टर्म लोन इन एडवांसेस और लास्ट वाला कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है अदर होता है हमारे अकाउंट में अदर करंट अदर करंट क्या कहा मैंने बेटा अदर करंट असेट्स तो क्या मैं शुरू करूं आइए जी एक बार मैं पहले इन सारे हेड्स को एक साथ दिखा देता हूं और फिर हम लोग शुरू करते हैं डेफिनेशन जो करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज की डेफिनेशन है ठीक वैसे ही हमें नॉन करंट में क्या करना होगा कि जो करंट नहीं वो नॉन करंट है ठीक है आइए जरा पहले मैं एक बार ये दिखा देता हूँ सारा एक साथ बेटे ये छह पॉइंट हैं इसमें करंट असेट्स में ठीक है नंबर वन करंट इन्वेस्टमेंट दूसरा इन्वेंट्रीज तीसरा ट्रेड रिसीवेबल चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पांचवा है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लास्ट uh, है बेटे अदर करंट असेट्स ठीक है ध्यान से करना बहुत ही अच्छे से करने की जरूरत है अच्छा सर बताओ क्या बेटे एक लोन एक लोन जो हमने किसी को दे रखा है क्या कहा मैंने एक लोन जो हमने किसी को दे रखा है वो कहां पे आएगा सर लोन एडवांसेस में बिल्कुल सही बात है लेकिन वो करंट वाले में आएगा या फिर इधर नॉन करंट में आएगा मेरा डेटर जो मुझे 12 महीने के अंदर रिलाइजेबल है ठीक है वो कहां पे आएगा यहां पर आएगा करंट में लेकिन जो 12 महीने से ज्यादा वाला होगा वो कहां पे आएगा वो आएगा जी नॉन करंट में बात मैंने समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं हमारे कुछ यहां पर क्राइटेरिया अपना सेट है किस बेस पर हमारी करंट और नॉन करंट का क्राइटेरिया चार कंडीशन पे सेट है और अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हमारी करंट बन जाएगी और अगर एक भी नहीं होगी सेटिस्फाईड तो वो हमारी नॉन करंट बन जाएगी ठीक है आइए जरा तो मैं लिखाना शुरू करूं लेट स्टार्ट किसको बोलते हैं जी करंट और बेटा किसको बोलते हैं नॉन करंट आइए जरा पहले हम जरा यहाँ पर कंडीशन लिखें जैसे करंट असेस की कंडीशन लिखी हुई है ऐसे ही करंट लैबिटीज की कंडीशन होगी तो सबसे पहले में हम यहां पे लिखेंगे कंडीशन फोर बींग करंट एंड नॉन करंट असेट्स तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूं किसकी बात लिख रहा हूं बेटे लेफ्ट साइड में मैं लिखूंगा सारी की सारी बात किसकी <coughs> यहां पे मैंने क्या लिखा करंट एंड नॉन करंट एसेस नहीं फॉर बींग करंट एंड नॉन करंट अब इसमें लेफ्ट साइड में मैं बात करूंगा किसकी असेट से रिलेटेड और राइट right साइड में मैं बात करूंगा किसकी बेटा लाइब्रेरी से रिलेटेड मतलब एक ही चार्ट में आपको ताकि सारी चीजें कवर हो जाएं बार बार आपको अलग अलग पेज ना पलटना पड़े ठीक है राइट साइड में हम लिखेंगे किसकी लाइब्रेटी से रिलेटेड आइए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी नंबर वन नंबर वन नॉन करंट असेट्स हमारी एक बड़ी समस्या रहती है हम ना हमेशा पहले मुश्किल तरफ की भागते हैं मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आसान चीज करनी चाहिए कम से कम उतना काम तो पूरा हो मुश्किल का भरोसा है कल को रुक जाए इधर देखो बेटा यही अप्रोच हमारे एग्जाम में होनी चाहिए पहले हमेशा छोटे क्वेश्चन करके शुरू करना चाहिए पेपर को क्योंकि छोटे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे कॉन्फिडेंस देंगे आइए जी नॉन करंट असर्स किसको बोलते हैं और किसको बोलते हैं नॉन करंट लैबरीज वेरी सिंपल लिखो यहाँ पे विच इज नोट करंट असेट्स भाई जो करंट असेट्स नहीं है वो बन जाएगी हमारी नॉन करंट अट्स है ना कितना आसान डेफिनेशन इधर भाई विच इज नोट करंट लाइबरिटीज लो भाई कितना आसान डेफिनेशन लो भाई यानी कि अगर हम ये देख लें कि भाई कोई हमारी करंट असेट्स है तो फिर वो बात वहीं पे खत्म और अगर कोई करंट एसेट्स नहीं है तो फिर उसको कहां पे लेके आएंगे नॉन करंट एसेट्स में यही काम बेटे लायबिलिटीज के लिए रहेगा है ना कितना सिंपल आइए तो अब हम बात करते हैं किसकी नंबर टू। करंट एसेट्स किसको बोलते हैं बेटा जी करंट एसेट्स जितना चीजों को सिंपलीफाई करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा इधर किसको बोलते हैं जी करंट लायबिलिटी तो सेकेंड पार्ट है हमारा यहां पर क्या लेफ्ट साइड में क्या होगा करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं करंट एसेट्स हमने देख लिया जी किसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज हम लोग ये भी देखेंगे जी चलिए अब बेटा देखो करंट एसेट्स के लिए यहां पर डेफिनेशन दे है क्या देखिए एन एसेट्स अभी हम पहले असेट साइड लिखेंगे एन एसेट्स शेल बी क्लासिफाइड शेल बी क्लासिफाइड एज करंट असेट्स कि किसी भी असेट्स को बोला जाएगा करंट असेट्स If any ऑफ क्या कहा बेटे मैंने एनी मतलब सिर्फ एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी यानी सारी कंडीशन नहीं सिर्फ एक भी अगर सेटिस्फाई होगी तो वो करंट बन जाएगी यानी किसी भी assess को current assess, पहले हम डिसाइड करेंगे कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी इफ एनी ऑफ फॉलोइंग जो यहां पर दे रखी है नीचे इफ एनी ऑफ फॉलोइंग conditions satisfied तो भाई बन जाएगी वो करंट असेट्स यानी कि अब तो हमें चार कंडीशन बेटे कमाल की बात पता है जैसे ही इधर लेफ्ट साइड चलती रहेगी ना ऐसे ही बेटे राइट साइड चलेंगी बाद में डोंट वरी तो अगर हमने करंट असेट्स पे मेहनत कर ली तो करंट लाइब्रेरीज का आधे से ज्यादा काम तो हमारा यहीं पे निपट जाएगा वहां पर भी हम सिमिलर कंडीशन लिखेंगे बस यहाँ पर रियलाइजेशन की बात करेंगे रिसीविंग की बात करेंगे वहां पर पेमेंट की बात करेंगे इतना फर्क होता है क्योंकि assets में रिसीविंग की बात हुआ करेगी और बेटा लैब में पेमेंट की बात हुआ करेगी चलिए <coughs> कहते हैं क्या किसको बोलेंगे करंट अस आइए जरा ये, ये कहते हैं अगर इनमें से कोई कंडीशन बेटा कौन सी कंडीशन नंबर वन सबसे पहले आइए जरा सबसे पहले नंबर वन कंडीशन नंबर वन पहली कंडीशन बेटी पहली कंडीशन क्या कहती है जी कि अगर इफ क्या इफ इट इज कोई भी असर हमारी करंट कहलाएगी इफ इट इज एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज टू बी रियलाइज इन कैश टू बी रियलाइज छोड़ो बात वही है to be realized within to be realized within 12 months 12 months of reporting date of reporting date रिपोर्टिंग डेट बिटेन रिपोर्टिंग डेट से मतलब जिस डेट को हम लोग बात कर रहे हैं जिस डेट को हम लोग ये बैलेंस बना रहे हैं बेटे कहीं जगह पे क्वार्टरली भी बनती है कहीं जगह पे मंथली भी बनती है कहीं जगह पर सिक्स <coughs> तो करना है तो बारह महीने के अंदर वो एक्सपेक्टेशन है कि वो रियलाइज हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा बेटा हमारा ये हमारी क्या कहलाएगी बेटा ये क्या कहलाएगी हमारी करंट असेट क्या कहलाएगी बेटा करंट अस करंट अस आइए जी अब क्योंकि यहां पे कंडीशंस के बीच में क्या लिखा है और तो यहां पर बीच में क्या आएगा बेटा और या फिर दूसरी कंडीशन अगर ये यहां पर नहीं है तो भाई दूसरी कंडीशन चेक करो सेकंड कंडीशन देखिए. इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड सर क्या मतलब सेम इसी तरह की बात दोबारा तो लिख रहे हो कि नहीं बेटे एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इंटेंडेड टू बी कंज्यूम टू बी कंजूम खा जाएंगे कंज्यूम कर लेंगे किसी चीज में यूज कर लेंगे कंज्यूम और या फिर बेच देंगे टू बी सोल्ड विद इन नेक्स्ट लाइन में लिखू चलो इसी में लिख हूं वरना तो फिर बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या लिख दिया विद इन नॉर्मल नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल साइकिल मतलब बेटे ड्यूरेशन कि बिजनेस में जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है नॉर्मल वाला अगर वो उसके अंदर भी एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है तो भी वो हमारी करेंट होगा

नंबर एक्सपेक्टेड बी लेकिन जो इधर वाली कंडीशन है उसका क्या है उसमें दो तीन चीज एक साथ है भाई या तो आपका एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज हो या तो भाई रिसीव हो जाए किसमें नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में या फिर भाई कंज्यूम हो जाए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में या फिर भाई बिक जाए

थोड़ा सा स्पेस छोड़ के तब लिखेंगे एक हेडिंग बना लेंगे ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल बेटे बिजनेस के अंदर क्या है एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है ऑपरेटिंग साइकिल मतलब हमारे बिजनेस के ऑपरेशन का टाइम साइकिल ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस के ओपरा ऑपरेशन बताओ बेटे हमारे बिजनेस में ऑपरेशन क्या है हम कोई मरीज को लिटा करके उसको खोलते खोलते बांधते ना कि हैं है? काम. काम है? है? सी है, तो लगे हुए हैं साइकिल मतलब ड्यूरेशन पैसे वापस दोबारा से पैसे कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे ड्यूरेशन वो ड्यूरेशन क्या है जिसके अंदर हमारा कैश क्या कहा तो बना क्या कैश Reconverted, reconverted in cash again in which duration called operating cycle. बेटे जो हमारा कैश है वो दोबारा से कैश में कब कन्वर्ट हो जाएगा उस ड्यूरेशन को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल क्या मतलब सर देखो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं हमारे पास में क्या होता है बोलो कैश होता है, है कि नहीं हाँ सर हमारे पास में सबसे पहले कैश होता है जी बिल्कुल सही बात है क्या होता है कैश तभी तो बिजनेस करते हैं मैं ये मानते हुए कर रहा हूँ कि बच्चे ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ रखा फिर हम उससे क्या करते हैं हम बेटे उससे गुड्स खरीदते हैं क्या खरीदते हैं बोलो सर हम उससे ना गुड्स खरीदते हैं मैंने कहा कैसा गुड्स कि जी हम जो है हम जो है ऐसा करते हैं कैसा करते हैं कि हम ना गुड्स खरीदते हैं कैसा गुड्स भाई हम उससे खरीदते हैं कच्चा माल रो मेटीरियल रो मेटीरियल अच्छा फिर रो मेटर को क्या करते हैं हम लोग हम उसको जी वर्क इन प्रोग्रेस उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट करते हैं मतलब काम चल करते हैं उस पर तो कई बार आधा अधूरा माल भी होता है बिल्कुल सही बात है फिर वो प्रोसेसिंग चलते चलते फिर वो गुड्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है मैंने कहा ओके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल सही बात है फिर उस फिनिश गुड्स का हम लोग क्या करते हैं जी कि जी फिर उस फिनिश गुड्स को हम लोग क्या करते हैं हम उसको ना सेल करते हैं वो डेटर्स में चला जाता है हमारे बिजनेस के ऑपरेशन में ये सीधी चलती है और फिर डेटर से क्या आ जाता है बेटे हमारे पास में कैश आ जाता है मतलब कैश दोबारा से इस ड्यूरेशन के अंदर दोबारा से कैश में कन्वर्ट हो जाता है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकल और ये ड्यूरेशन क्या 12 महीने से ज्यादा की हो सकती है बिल्कुल हो सकती है यहाँ पे बस एक नोट डाल दो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है नोट इफ नथिंग गिवन अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है नथिंग गिवन देन देन प्री एज्यूम प्री एज्यूम मैं ये मान रहा हूं कि बच्चा साथ साथ नोट कर रहा है देन प्री एज्यूम ट्वेल्व मंथ्स

अभी भी उसके लिए एक ऑप्शन बना हुआ है करंट असेस बनने के लिए तो वो हमारी करंट असेस बन जाएगी इतने पीरियड के अंदर हम इतने पीरियड के अंदर हम उसको या तो क्या करेंगे सेल कर देंगे या फिर हम उसको बेच देंगे है ना या फिर हम उसको कंज्यूम कर लेंगे जैसे मान लिया रॉ मटेरियल की बात करूं तो रॉ मटेरियल को हमने होल्ड कर रखा है हमारे यहां स्टॉक है रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे 12 महीने के अंदर अंदर

नाम नहीं देता हूँ कोई दिक्कत नहीं एसोटेक लिमिटेड उनका मैं फाइनेंस कराता था तो दिल्ली एनसीआर दिल्ली एनसीआर के सबसे बड़े मैं समझता हूँ उनको कि इनसे बड़े शायद ही कोई बिल्डर हो तो ये जब भी बनाते हैं सात टावर एक जगह बनाते हैं छह सात टावर सात टावर अच्छा तो ये सात टावर और एक एक टावर में आप ये समझ लो मेरे में एक दो तीन और चौदह तीन बयालीस

कैसे तैयार करते हैं सरिये रेत सीमेंट सरिया ये सब चीजें बदरपुट ये सब सब चीज लेकर के आते हैं तो मैंने कहा वो कच्चा माल होता है कि नहीं होता है हाँ, होता है जी बिल्कुल होता है तो रॉ मेटेरियल जो है वो कंज्यूम करेंगे कि नहीं करेंगे हाँ बिल्कुल करेंगे तो अगर बेचारे ये पहली कंडीशन के भरोसे रह जाए अगर ये पहली कंडीशन के भरोसे रह जाए तो फिर तो इनका रॉ मेटेरियल कभी भी इनके करंट एसेस नहीं बनेगा है कि नहीं है ना बड़ा सिंपल अच्छा तो ये जो रॉ मेटेरियल है

सब के बीच में क्या बेटा? और नंबर थर्ड कंडीशन अगर मान लिया किसी असेट्स को इफ इट इज प्राइमरली हेल्ड तो मैं एक वर्ड यहां पे लिख दू थोड़ा सा डिफरेंट कलर से डिफरेंट कलर कौन सा बार आपके लिए उह, 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 ब्लैक ले लेता हूं इफ इट इज प्राइमरली Held for the purpose of being ट्रीटेड अगर मान लिया ऑर्गेनाइजेशन ने किसी असेट्स को हेल्ड कर रखा है किस पर्पज से उसमें ट्रेड करने के पर्पज से ट्रेड मतलब खरीदना बेचना ट्रेड मतलब खरीदना बेचना यानी कि अगर मान लिया कोई भी असेट ऐसी है जिसको उन्होंने हेल्ड कर रखा है ट्रेड के परपज से चाहे वो 12 महीने में ना बिके ध्यान रखना चाहे वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ना बिके तब भी वो हमारी असेट्स बन जाता है एक इन्वेंट्री ऐसा है जो नॉन मूविंग है एक इन्वेंट्री ऐसा है बेटा जो नॉन मूविंग है वो असेट्स का हमें पता है कि वो बिकेगा नहीं हमें पता है कि वो बिकेगन जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो जैसे आ, जब ये फैशन चेंज, फैशन चेंज चेंज हो में आते रहते हैं आपको पता है पहले पुरानी फिल्में देखोगे तो वहाँ देखोगे तो वहां अमिताभ बच्चन जी बड़ा अच्छा पुरानी फिल्मों में बड़े हीरो क्या करते थे वो बेल बैलबूटम पैंट्स पहनना करते थे और बेल बैलबूटम का क्या तरीका होता था देखो जरा ध्यान से वो ऐसे होती थी पैंटे नीचे से ये नीचे बिल्कुल एकदम पाजामा सा रहता था एकदम बड़े वाला इस तरह की पैंट होती थी अब आप कहोगे कि सर एक ही पैर में पहनते थे क्या तुमको मैं दूसरा पैर बना देता हूँ ऐसा ना हो कि तुम्हें ऐसी दिक्कत हो कि तुम लोग सोचो आओ जी तो ये जो बेलबुटम पैंट हुआ करती थी बहुत चला करती थी पहले अब फैशन चेंज हुआ और फिर पैंट्स सिंपल एकदम सिंपल सिंपल चलने लगी ऑफिशियली हम लोग सब लोग ज्यादातर यही यूज करते हैं हालांकि कोई बाउंडेशन नहीं है लेकिन इंसान क्या करते है हमेशा जो ट्रेंड में होती है चीजें उन्हीं को यूज करता है तो जिस टाइम पर ये चेंज आया होगा बताओ चेंज क्यों आता है इसमें फैशन इंडस्ट्री में, में। ज्यादातर क्या होता है फिल्मों के हीरो हीरोइन कोई पीछे चश्मा लगा के चलेगा कोई ऐसे ऐसी शर्ट थोड़ी सी फाड़ लेगा पैंट फाड़ लेगा थोड़ा सा घुटनों वगैरह से ऑफिस चलेगा तो क्या होगा सब लोग सोचेंगे अरे वाह ये तो बड़ा बेहतरीन लग रहा है भाई वो भी शुरू हो जाते हैं तो भाई फैशन इंडस्ट्री में तो चेंज ऐसे ही आता है अब ऐसे में हुआ क्या बेटा जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये 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 चेंज आया होगा होगा बताओ जरा जिनके पास में ये वाला स्टॉक रखा होगा, ये जो बेलबुटन पैंट का स्टॉक रखा होगा बताओ वो बिकेगा क्या मतलब ही नहीं जब तक दोबारा से फिल्मों में ये चेंज ना आए और वो जो है दोबारा से बेलबुटन पहनना शुरू ना करें तब तक तो भाई साहब बिकेगा नहीं लेकिन वो हेल्ड कर रखा है किसके लिए बेचने के लिए बोलो है कि नहीं हाँ वो बिके ना बिके एक अलग चीज है लेकिन प्राइमरली हमने हमारा मेन बिजनेस क्या है उन उन पैंट्स को उन शर्ट्स को शर्ट्स बेचने का और वो स्टॉक भले हमारा नॉन मूविंग है फिर भी बावजूद इसके हमें पता है कि ये स्टॉक नहीं बिकेगा तब भी हम उसको कहां दिखाते रहते हैं बताओ नॉन मूविंग स्टॉक को भी कहां दिखाते हैं करंट सेस में क्यों वो हमने हेल्ड किसके लिए रख रखा है हमारा मेन बिजनेस की एक्टिविटी क्या है बेचना उसको बेचने के पर्पज से हेल्ड कर रखा है तो इसलिए बेटे ऐसे केस में ये क्या होगा ये हमारा कहाँ पे आता रहेगा करंट असेट्स में एक एक पॉइंट पे वर्क करना है आपको एक एक पॉइंट पे नेक्स्ट नंबर फोर्थ कंडीशन नंबर फोर्थ कंडीशन यानी कि इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई तो वो कहां पे आ जाएगी बेटे करंट असेट्स में असेट्स कोई भी असेट्स हो आइए जरा कुछ और पॉइंट्स भी मैं आपसे यहां पे एग्जांपल में लूंगा पर एक बार जरा कंडीशन लिख दूं इट इफ If it is cash or cash equivalent, unless, unless. अनलेस इट इज मैं बेटे नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ जानबूझ के ताकि आपको आप ध्यान इसकी तरफ अलग से जाए इट इज कैश और कैश इक्वलेंट कहते हैं क्या भैया जो कैश होगा ना यह कैश के समान होगा कैश के इक्वलेंट होगा तो उसको भी करंट एसेट्स माने जाए माना जाएगा अनलेस जब तक कि कैश पे ताला ना लग गया हो कि भाई साहब आप 12 महीने से पहले से छेड़ सकते हो, वो लिखूंगा यहाँ पे अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड From being exchanged or used जब तक का इसे रोका ना गया हो जब तक इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो किस बात की या तो हम किसी से बदल लें या हम किसी जगह पर यूज कर लें किस बात के लिए टू सेटल Elability. अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि जो 12 महीने तक रोक रखती है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन 12 महीने के अंदर अगर वो आ, देखो 12 महीने के अंदर वो कंडीशन लगाते कोई बात नहीं 12 महीने के आ, बाद के लिए अगर बोलता है तो दिक्कत है यानी कि अगर कोई कैश ऐसा है जिसको हम बारह महीने के बाद में ही छेड़ सकते हैं तो वो उसके लिए कह रहे हैं कि वो उसको करंट एसेस नहीं माना जाएगा हाँ अगर कोई कंडीशन लग भी रखी है रेस्ट्रिक्शन भी लग रखी है लेकिन वो बारह महीने के अंदर अंदर वो हट रही है कि हम महीने के अंदर अंदर उसको यूज कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं तो वो कैश काटी लाइब्रिटी फोर एटलीस्ट फोर एटलीस्ट मतलब कितने टाइम की रेस्ट्रिक्शन हो एटलीस्ट फ्टर ट्वेल्व मंथ बताओ बेटे ट्वेल्व मंथ कहां से काउंट हो गए ट्वेल्व मंथस फॉर एटलीस्ट आफ्टर ट्वेल्व मंथस फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट बेटे सारी बात शेड्यूल थ्री में किससे होगी रिपोर्टिंग डेट रिपोर्टिंग डेट मतलब बेटे जिस डेट को हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं ये बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो रिपोर्ट रिपोर्टिंग डेट ये कहलाएगी हमारी क्या जब तक कि उस पर कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन ना हो कि भाई बारह महीने के बाद यूज करना तब तक वो हमारी कैश का इक्वलेंट है और वो हमारे करंटर्स का पार्ट है आइए मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करता हूं उसका आपको आंसर देना फटाफट ठीक है कराऊ क्वेश्चन पहले मैं कुछ एग्जांपल बता दू आपको जैसे बेटे आपने कोई लोन सोर एडवांस दे रखा है आइए अब पूरा ध्यान से करना है इसमें तो अब हम क्या डिसाइड करेंगे पहले हम ओरली करेंगे फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे क्या कि भाई ये कोई चीज करंट अफेयर्स है या नहीं कोई चीज करंट अफेयर्स है या नहीं क्या चीज हो गई यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है आइए जी कोई चीज हमारी करंट अफेयर्स है या नहीं ये बात हम लोग जो डिसाइड uh, करेंगे इन चारों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई तो करंटर्स अदरवाइज वो नॉन करंट तो आइए जरा हम लोग बात करते हैं मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा एक बैंक अकाउंट है जिसको सीज कर दिया गया एक बैंक अकाउंट है जिसको सीज कर दिया गया इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा और उसको हम मतलब उसको हम क्या करेंगे बारह महीने या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद में जाकर के हम उसको यूज कर सकते हैं उसको 12 महीने के बाद में तो हम यूज कर सकते हैं तो क्या वो हमारे करंट एसेस होगा सोच के देखो जरा क्या वो हमारी करंट एसेस बनेगा आंसर इज नो नहीं बनेगा क्योंकि उस पर रेस्ट्रिक्शन लग गई उसको रेस्ट्रिक्शन लग गई कि हम उसको छेड़ नहीं सकते इतने टाइम से पहले और वो टाइम 12 महीने के बाद तक बात जा रही है 12 महीने के बाद तक बात जा रही है आइए जरा और सोचो जरा और क्या चीज है सर देखिए यहां पर क्या कहा मैंने बेटे यहां पर हमें कुछ क्वेश्चन करने इसके लिए तो मैं पहले आपसे एक, एक दो क्वेश्चन पूछू हाँ सर सर यू आर ऑडिबल बट नोट विजिबल नो ये कैसे हो गया अभी कुछ मैसेज तो आया था यहाँ पे मैं ऑडिबल हूं लेकिन विजिबल नहीं हूं ये तो गड़बड़ हो गया वेट टेक्निकल टीम अभी काम कर रही है अभी मैंने देखा है <coughs> तो मुझे क्या करना चाहिए एक बार मैं फ़ोन करता हूँ <laughs> आइए चलिए बात शुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं आई होप आप सब कुछ ओके है फिर भी बेटे एक बार फिर से आप मुझे बताएंगे एक बार बेटे आप मुझे फिर फिर भी, एक बार फिर से आप मुझे बताएंगे ऑल ओके है ठीक <coughs> है ना सेस पे लिख देना चलिए एक बार फिर से लिख देना ऑल ओके है ना चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ एक मिनट पानी चलिए थी आइए शुरू करते हैं अब बेटे यहां पर क्या है इफ इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट तो हमने बात यहां पे की थी कि अगर मान लिया कोई कुछ क्वेश्चन बताएंगे जैसे मान लिया अगर कोई बैंक अकाउंट है वो सीज हो रखा है ठीक है ना इनकम टैक्स अथॉरिटी में बैंक अकाउंट सीज हो रखा है सीज कर रखा है किसी क्लाइंट का मेरे एक क्लाइंट का हुआ था ऐसा तो वो पैसा ब्लॉक था और वहां उम्मीद नहीं थी कि वो दो तीन साल से पहले वो केस निपट जाए तो वहां पर कैश एंड कैश इक्वेलमेंट बताओ कहां पे दिखाना चाहिए वो कैश एंड कैश इक्वेलेंट में दिखाना चाहिए वो बैंक बैलेंस या नहीं आंसर इज नो क्योंकि उस पर रेस्ट्रिक्शन लग गई थी वो पता नहीं कब जाके खुले दो साल में तीन साल में जाके केस निपटेगा तब जाके बात बनेगी कुल मिलाकर वो बारह महीने से ज्यादा का तो टाइम वहां पर एक्सपेक्टेड था ठीक है ना तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन थी एक तरह की तो हम उसको कहां पे दिखा रहे थे बेटा कैश एंड कैश इक्वेलेंट में दिखाई नहीं सकते थे तो वो कहाँ पे आएगा नॉन करंट करंटेस में चलिए और सुनिए जरा एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं क्या लोन दिया हमने किसी को हमने किसी को एडवांस दे रखा है ठीक है हमने किसी को सेल कर रखी है और कोई हमारा डेटर है और वो डेटर हमारा दो साल में जाके पैसे देगा सर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कितना है बेटे हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है मान लिया पंद्रह महीने तो पहले तो हम चेक करेंगे सबसे पहली बात हम चेक करेंगे वो डेटर हमें दो साल में पैसे देगा तो सबसे पहले हमने देखा क्या ये एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन है आंसर आंसर इज नो इज नो क्योंकि उसको हमने स्पेशली क्रेडिट पीरियड दे रखा है हमने special भी हमने उसको ही एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड दिया है तो 12 महीने से गया और हमारा जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है वो कितना है बेटे बेटा 15 महीने कितना 15 महीने तो इसका मतलब क्या है 15 महीने से भी बाहर निकल गया क्या वो डेटर हमने प्राइमरीली हैंडल कर रखा है नहीं क्या वो कैश के इक्विवेलेंट है नहीं तो बेटा ऐसे केस में डेटर्स को हम कहां लिखेंगे करंट एसेट्स में नहीं लिखेंगे तो सर नॉन करंट एसेट्स में कहा लिखते हैं बेटा आइए बेटा मैं जरा यहाँ हेड भी बता दू। ऐसे केस में डेटर हमारा ट्रेड रिसीवेबल में नहीं आएगा यहाँ पर आने के लिए क्या जरूरी है वो एक भी ठीक है आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमने किसी को पैसे उधार दे रखे हैं हमने किसी को पैसे उधार दे रखे है और वो पैसे हमारे मिल जाएंगे लेकिन टाइम लगेगा

कुछ इन्वेंट्री की बात बताओ मैंने कहा छोड़ो इन्वेंट्री हमारा चार साल में जाके फोर जा, हमारा इन्वेंट्री चार साल से बिक नहीं रहा है और आगे बिकने की कोई उम्मीद नहीं है मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कौन बच्चा मुझे सबसे पहले बताएगा बताना बेटा श्रुति ही बताओ ये की श्रुति तो है बोलो बेटा चार साल में जाकर के भी पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा छोड़ो बिक ही नहीं रहा जी बेटा मैं वेट कर रहा हूँ बताओ जल्दी से हमारा स्टॉक ऐसा जो हमें लगी नहीं रहा वो बिकेगा नहीं बिकेगा कब बिकेगा वगैरह वगैरह तो बताओ जल्दी कहां पे आएगा क्या वो करंट असेस में आएगा कि नॉन करंट असेस में आएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी ध्यान रखना स्टॉक को हम हमेशा हेल्ड करते हैं प्राइमरली हेल्ड फॉर सेल है ध्यान रखना सेकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन में हमेशा रहेगा तो इसलिए हमेशा always, हमारा हमेशा क्या रहेगा बेटा हमेशा इज हमेशा बेटे यहाँ पे आता है स्टोक ऑलवेज ऑलवेज स्टोक हमारा कहां पे आएगा यहां पर ठीक है ठीक है बेटा करंट में आएगा ठीक है श्रुति नॉन करंट लिखा मुझे पता है ये गलती होती है तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूं तो ध्यान से बेटा नॉन करंट एसेट्स में नहीं आएगा क्योंकि वो हमेशा हमने हेल्ड कर रखा है सेल के पर्पज से इसीलिए हमेशा स्टॉक हमेशा करंट एसेट्स में आता है आइए जी तो तो जो हमारी नॉन करंट एसेट्स नहीं है जो हमारी नॉन करंट एसेट्स नहीं है वो कहां पे आएगी बेटा जी वो हमारी आएगी कहां पर जो हमारी करंट एसेट्स नहीं है वो हमारी कहां पे आएगी बेटा नॉन करंट एसेट्स में सर हाँ बेटा सर बता दो ना जल्दी से इसकी करंट लाइवीज की बात भी मैंने कर लू <coughs> दो मिनट फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक बार इसको भी समझ लेते हैं फटाफट से लिख के और फिर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे बेटा ये सब बातें मैं आपको स्टडी uh, मैट की पीपीटीज दिखा दिखा के भी मैं करा सकता था अपनी बुक की पीपीटीज भी दिखा दिखा के करा सकता था लेकिन मजा तब है जब आप इसको हाथों से लिखो समझ के लिखो ठीक है सिलेबस खत्म करने की जल्दी तो मुझे भी है लेकिन ऐसी नहीं कि नंबर ही नंबर ही खत्म हो जाए शर्त लगा के कह सकता हूं जिस बच्चे ने तरीके से क्लास की है पूरे नंबर कैच करके आएगा हाँ वो प्रेजेंटेशन कैसे करे एक अलग चीज है आइए जराब्रेटी लिखो बेटा फटाफट से क्लासीफाइड शेल बी क्लासिफाइड शेल बी क्लासिफाइड एज करंट लाइब्रिटी अब बेटे जल्दी जल्दी लिख लेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा करंट लाइब्रिटी कहते हैं किसी भी लाइब्रेटी को हम करंट लाइब्रिटी तब बोलेंगे इफ एनी इफ एनी ऑफ़ फॉलोइंग कंडीशंस Any of following conditions satisfied. अगर, भाई अगर नहीं हो तो क्या कहलाएगी नॉन करंट आइए जी फटाफट से चलते हैं बेटा पहली कंडीशन बिल्कुल डिक्टो सेम बस यहां था वहां पेबल होगा सेटल्ड होगा ठीक है तो लिखें आइए जरा ध्यान से बेटा आमने सामने बिल्कुल आमने सामने लिखना ताकि तुम्हें आसानी से याद हो जाए हाँ जी इफ इट इज बिल्कुल ऐसे लिखना जैसे लेफ्ट में लिखा वैसे राइट में इट इज एक्सपेक्टेड टू बी बेटा वहां पे रिलाइज की बात थी यहाँ पे क्या होगा सेटल्ड और सेटल का मतलब हिसाब किताब हो जाना चाहे उसे कैश पकड़ा हो चाहे उसे कैश के अलावा और कोई चीज पकड़ा दिया हमने किसी भी तरह से उसका निपटारा हो जाना सेटल्ड ऐसी जिसको जिसकी एक्सपेक्टेशन टू बी सेटल्ड है अंडरलाइन कर देना एक्सपेक्टेशन टू बी सेटल्ड है किसमें विद इन बिल्कुल डिक्टो से विद इन ट्वेल्व मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स ऑफ रिपोर्टिंग डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट ऑफ रिपोर्टिंग डेट तो ये कहलाती है हमारी करंट लाइब्रेटी आई बेटा जी दोनों के बीच में क्या होगा इन कंडीशंस के बीच में क्या होगा और आराम से हाँ बेटा जी आराम से ठीक वैसे ही जैसे यहां पर था बेटे ऐसे हम उधर बात करेंगे नेक्स्ट भाई अगर 12 महीने से बात छूट जाएगी तो किसमें पकड़ेंगे ऑपरेटिंग साइकिल में वहां पर रिलायंस की बात करेंगे यहां पर पेमेंट की बात करेंगे नेक्स्ट व्हाट व्हाट इज दिस बताओ इफ It is if it is expected to be to be to be settled. टू बी सेटल्ड बेटे रिलायंस की वजह क्या हो गया सेटल्ड अब यहां पर बेटे देखो लाइबी को कंज्यूम तो कर नहीं सकते है ना आइए तरह सेटल्ड विद इन विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकल इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ठीक है ये दूसरी कंडीशन है फिर बेटे तीसरी कंडीशन और और आमने सामने बेटे कंडीशन भी एक जैसी चल रही है ये भी मैं आपको बता दूं सर री की बात भी ऐसे लिखी जाएगी हाँ बेटा सर प्राइमरी हेल्ड फॉर सेल हाँ यही तो ये नया पॉइंट है आपके लिए समझने के लिए नंबर थर्ड देखो फिर इफ लाइब्रेटी को हमने हेल्ड कर रखा इफ इट इज प्राइमरली For the purpose, for the purpose of being traded. अगर मान लिया हमने किसी लाइब्रेटी को हेल्ड कर रखा है बेचने के लिए सर क्या आप बात कर रहे हो सर कहीं व्यक्ति तो बता दो हम भी बेचना चाहते हैं हमारे पास भी बहुत लाइब्रेटी है है ना हमारे घर का लोन है हमारे चाचा का उधार है ताऊजी जी का उधार है पड़ोस वाले अंकल है उनकी दुकान से हम सामान लाते हैं, दुकान का उधार है सर बहुत सारी लाइब्रेटी है सर बिकवा दो किसी को वो नहीं है उससे आगे की सोच करनी है हमें क्या सर बताओ बेटे यहाँ पर जो है ये जो लाइब्रेटरी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ वैसे तो आपके इंटर लेवल, या लेवल के हिसाब से तो मैं ये जो है ये फाइनल लेवल की बात है जहां पर आप देखोगे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डेरिवेटिव्स वहां पर फ्यूचर ऑप्शंस कुछ इस तरह की बातें जहां पर जाकर के आपको देखने को मिलेगा एक हल्का सा हिंट दे देता हूं आपको बहुत छोटा सा इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के केस में ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ना क्या करती है एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इंश्योरेंस कंपनी के केस में होता क्या है एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी वो क्या करती है बहुत बड़ा इंश्योरेंस करती है लेकिन वो अपने पीछे भी अपना भी इंश्योरेंस कराए रखती है जैसे होता है ना हम चार पांच दोस्त इकट्ठे होके गए और फिर हमने क्या किया

मान लिया किसी को लंबी लंबी फेंक दी इंश्योरेंस कंपनी ने कि चल तेरा दस करोड़ का इंश्योरेंस और हमें ला एक करोड़ हमें प्रीमियम ला एक साल तक जा आराम से माल बेच अगर तेरा माल चोरी होता है तो हम आएंगे ना तेरा दस करोड़ का माल देंगे फिर इंश्योरेंस कंपनी ऐसे करती है पीछे देखती है ओहो कोई और है जो मेरे साथ में सपोर्ट में खड़ा हो सकता है तो वो प्रीमियम जो है एक तरह से वो प्रीमियम क्या है वो इस लाइब्रिटी के परपज से उन्होंने हेल्ड कर रखा है तो वो वो क्या करते हैं वो किसी और को लाइब्रिटी शेयर करते हैं अपना इंश्योरेंस वो किसी और से करा देते हैं तो ऐसी लाइब्रिटी मतलब ऐसा प्रीमियम तब तक, तक बेटे इनकम नहीं बनता और अगली बात छोटी सी बात मतलब ऐसी हम ना आगे री बोलते हैं इसको वो कंपनी किसी और को बेच रही होती है है तो ये एक छोटा सा इस चीज का आगे जाके आप देखोगे डेरिवेटिव फ्यूचर में बहुत सारी कई बार हम लोग करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं करेंसी खरीदने का हमने फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के होते हैं खैर छोड़िए आपके पर्पज से अभी है नहीं बस इतना ही आप समझ लीजिए छोटा सा एक्साम्पल जो री इंश्योरेंस वाला मैंने दिया, कि वो लाइब्रेटी उन्होंने जो हैल्ड कर रखी है वो किसी और को बेचने के लिए तो ऐसी लाइब्रेटी हमारी करंट लाइब्रेटी है क्योंकि वो एक साल के अंदर कभी कभी भी वो प्रीमियम पे करना पड़ सकता है कभी भी उसमें कंपनसेशन करना पड़ सकता है ठीक है तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं और नंबर फोर लास्ट बिल्कुल मिलते मिलते जुलते पॉइंट है बेटे क्या सर इफ 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 बेटे जैसे यहां पे क्या था यहां पे क्या था कि कैश या कैश के इक्वेंट कैश के इक्वेंट क्या अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड जब तक का इसको रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई यहां पे अंडरलाइन कर दू क्या कुछ असेट्स में जैसे असेट्स में अंडरलाइन करेंगे फिर यहां पे अनलेस इट इज अनलेस रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्सचेंज यूज टू सेटल एट एटलीस्ट ट्वेल्व मंथस ठीक है ना आफ्टर कि भाई कम से कम बारह महीने के बाद की कम से कम बारह महीने के बाद में आ, ये चीज यूजेबल होगी इस बात की कंडीशन अगर नहीं लगी है तो ये हमारी करंट बेटे बेटे के केस में क्या होगा ऐसी कुछ बात कि ये हमारी करंट लेब्रिटी होगी अगर कंपनी के पास में ये अधिकार नहीं हो कि भाई साहब मैं बारह महीने के बाद में कर दू क्या बारह महीने के बाद में कर दू क्या पेमेंट आपको उसने कहा नहीं बारह महीने के अंदर करना है नहीं बारह महीने के अंदर करना है इसका मतलब ये उनके करंट करंट लाइबिटी बनेगी तो अब इस बात को यहां पे लिखेंगे कैसे लिखिए एक कंपनी है इनके पास में अधिकार नहीं डज नॉट हैव डज नॉट हैव इस बात का राइट नहीं है कि वो उसको 12 महीने से आगे ले जाएं कि भाई साहब 12 महीने के बाद में लेना अगर उनसे ये अधिकार छीन लिया गया है, मतलब उनके पास अधिकार नहीं है इफ कंपनी डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट्स भाई साहब कोई और काम पूरा कर दे तब मिल सकता है अधिकार ना कोई भी कंडीशन आपके लिए नहीं है आपका राइट नहीं है बस आपको पेमेंट करना ही करना है अभी मतलब कोई भी कंडीशन नहीं कि हम ये ऐसा कर दें तो ना 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 तो इसलिए लिखा है पे इफ कंपनी डज नॉट अनकंडीशनल राइट किस बात के लिए टू डेफर टू डेफर टू डेफर टू डेफर क्या द सेटलमेंट टू डेफर द सेटलमेंट Of liability for twelve months or onward after reporting date after reporting date. जब तक कंपनी के पास में ये राइट ना हो जाए मतलब कंपनी के पास में अगर राइट नहीं है कि वो उसको 12 महीने से आगे ले जा सके डेफर ना कर सके पेमेंट का अगर ऐसा है, वो इसमें दिक्कत है क्या? तो भाई ऐसे केस है छोटा सा सोचने का यहाँ पे है मैंने आपसे क्या कहा था वो अमेंडमेंट कराऊंगा वो अमेंडमेंट आई हुई है। अब मैं पर एक बात बताता सुनिए ध्यान से पहले इस बात को समझ ले करेंगे क्या समझे बताओ सर बेटे अगर 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 कोई हमारी कोई हमारा लोन है जिसको हमें 12 महीने के बाद में पेमेंट करना है तो वो हमारी करंट लाइब्रिटी होगा या नॉन करंट लेफ्टी होगा मुझे एक बार बताएंगे सबसे सब पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि क्या वो एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन ट्वेल्व मंथ्स है आंसर इज नो फिर हम चेक करेंगे क्या वो हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल करने लायक बात है एक्सपेक्टेड टू तो सेटल है आंसर इज नो मान ले हमारा ऑपरेटिंग साइकिल तेरह महीने का है और पेमेंट उसका करना है हमें कब बाद में चार साल के बाद में

और अगर बारह महीने या ऑपरेटिंग साइकिल या फिर हमारा छीन लिया गया तो वो कहां पर आएगी करंट लैबी में ये बात हमने पढ़ी अब एक अमेंडमेंट यहाँ पे आई थी क्या सोच के देखो जरा जो लोन्स हैं जो लोन्स हैं जो ऐसे लोन हैं जो ऐसे लोन है, है यहां से हटा दो लॉन्ग टर्म से ये यहाँ पे नहीं ये इधर शॉर्ट टर्म के लिए है क्या जो हमारी बोरोइंग्स हैं मान लिया वो चार साल के बाद में पेबल है हमने एक लोन लिया जो चार साल के बाद में पेबल है हमने एक लोन लिया जो चार साल के बाद में पेबल है मुझे आप ये बताओ ऐसे केस में वो लोन जिसका पेमेंट हमें करना है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर मुझे बताते रहना वन

Liberty में आएगा कि नहीं आएगा बिल्कुल आएगा मतलब मैं कह सकता हूँ नॉन करंट लैबीज में आएगा हाँ जी नॉन करंट लैबीज में आएगा तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ नॉन करंट नॉन करंट लैबीज में आएगा हाँ जी आएगा इसके अंदर सर इसके अंदर आएगा लॉन्ग टर्म बोरोस में आएगा जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा जी

करंट लेबलिटी ये बन जाएगी हमारी करंट लेबलिटी क्योंकि हमें ये देखना है क्या भाई लोन लेने से लोन लेने से यहां से मैं काउंट करूं तो एक दो तीन अब चार चार साल यानी यहां पर चौथे साल के एंड में यहां पर पेबल है ठीक है लोन लेने की डेट से तो चार है लेकिन थर्ड ईयर में सेम नहीं होगा बेटा थर्ड ईयर के एंड पे मैं देखूंगा कि मुझे दिखाई देगा यहां बैलेंस शीट डेट से यहां बैलेंस शीट डेट से अगले बारह महीने के अंदर अंदर पेबल है अगले 12 महीने के अंदर अंदर पेबल है तो ये बन गई हमारी क्या करंट लायबिलिटी अब सवाल है ये छोटा सा क्या सर क्या यही अमेंडमेंट है नहीं ये अमेंडमेंट नहीं है अमेंडमेंट अब मैं रेड पेन से लिखूंगा यहां पर क्या पहले मैं ओल्ड लिखूंगा फिर मैं अमेंडमेंट लिखूंगा बताओ बेटे ये कहां लिखते होंगे ये जो है पहले ये कहां लिखते थे ये पहले इसके अंदर लिखते थे करंट लायबिलिटीज में अदर अदर करंट अदर करंट लाइब्रेटी में लिखते थे अदर करंट लाइब्रेटीज में लिखा करते थे पहले इसको इसका मतलब इसका मतलब बेटा हमारे जो यहाँ पे करंट लाइब्रेटी का हेड है हमारा जो यहाँ पर ये करंट लाइब्रेटी का हेड था हाँ कौन से वाला अदर करंट लाइब्रेटी ये वाला हम पहले इसको यहां पे लिखा करते थे ठीक है जो मैंने आपसे बताई थी ना अमेंडमेंट आई है हाँ, वो ये, है, ये कहते कि भाई अब इसको ना एक काम करो अमेंड करो ये तो यार लोन के पैसे एक हेड है, है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है बोरोइंग्स तो भाई फिर इसको यहाँ से यहाँ पे ले जाओ बोरोइंग्स में लिखो ये भाई लोन के तो पैसे हैं कि हाँ भले ही एक साल के अंदर पेबल है लेकिन इसका जब अपना घर है

तो अब यहां पर क्या अमेंडमेंट आ गई है कि इसको हम कहा लिखा करेंगे शोर्ट टर्म बोरोइंग्स कहां पे लिखा करेंगे बेटा शोर्ट टर्म बोरोइंग्स ध्यान रखना करंट असेट्स और करंट लेबिलिटी ही सबसे ज्यादा डिस्कशन वाले पॉइंट रहते हैं सबसे ज्यादा डिस्कशन वाले बेटे क्वेश्चंस में इतना नहीं मिलेगा जितना आप लोग यहां पे सीख रहे हो इसमें इस डिस्कशन में आइए जरा आगे बढ़ता हूं तो ये थी जी वो अमेंडमेंट सबसे पहली बात अब किसी भी को करंट बोलेंगे या नॉन करंट बोलेंगे ये बात किस पे डिपेंड करती current, वो ये मैं आगे बढ़ता हूं बेटा और इस अमेंडमेंट को नोट कीजिएगा क्योंकि ये बेटे जो भी अमेंडमेंट है वो एक्सपेक्टेड होती है पूछने लायक तो बात होती है बेटा देखो है ना एग्जाम में सबसे ही होती है तो चलिए अब मैं फटाफट से जरा समझाना शुरू करता हूँ समझाना क्या क्वेश्चंस पे आते हैं पहले है ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके करंट और नॉन करंट के लो तो जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें करंट और नॉन करंट डिसाइड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं कुछ हमें क्वेश्चंस करने हैं आइए जरा तो जी हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं और पौने दो बजे हम लोग क्लास छोड़ देंगे आज फिर हम लोग अगली क्लास करेंगे दो बजे से जो बच्चे बैकअप में इस क्लास को देख रहे होंगे वो अगली क्लास को अगली क्लास में मतलब एक अगली क्लास की तरह से देखें सेम डे दे ना देखें लाइव में थोड़ा सा हमें क्या है कि सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं तो हम लोग तो पूरे लगे पड़े हैं निपटाने में लेकिन करेंगे पूरे तसल्ली से ऐसा नहीं करेंगे कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे जरा लो भी लो, आगे चलो क्वेश्चन निकालो जी कहां गए ये 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 रहा रहा ये रहा जी बेटे आप लोग भी खोल लो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूं ये बल्कि मैं खोल देता हूँ स्क्रीन पर रुको। मैं खोल देता हूँ स्क्रीन पर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में ये क्वेश्चन है हाँ क्वेश्चन नंबर इलेवन बेटा 10 तक मैंने आपको होमवर्क दिया था मैंने करा लिया था है ना तो क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आओ जा रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन सात आठ नौ दस यहाँ तक हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर ग्यारह सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल की सबसे पहले बात करेंगे बेटे ऑपरेटिंग साइकिल की आगे जी, तो सिंपल है इसको मैं यहीं पे कर देता हूं यहां पे क्या कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ऑपरेटिंग साइकिल बल्कि लिख के करते हैं चलो क्या कहता है आपको क्या करना है जी कंप्यूट करना है ऑपरेटिंग साइकिल आंसर लिखो जल्दी से फटाफट आंसर नंबर इलेवन जी देखो बेटा स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बताओ बैठे यहां पे क्या क्या होता है हमारा रॉ मटेरियल रॉ मेटल होल्डिंग पीरियड हम लोग क्या करते हैं रॉ मेटल होल्डिंग पीरियड उसमें ऐड बैक कर देते एड करते हैं क्या प्लस वर्किंग प्रोग्रेस का होल्डिंग पीरियड है ना है कि नहीं फिर हम लोग क्या करते हैं और क्या करते हैं इसके बाद में वर्किंग प्रोग्रेस में के बाद में क्या होता है बेटा फिनिश गुड्स जितने टाइम तक हमारा पैसा फसा रहता है कहां पर फिर फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड और फिर क्या बेटा हमारा जितना डेटर्स का जो कलेक्शन पीरियड है डेटर्स का जो कलेक्शन पीरियड है होल्डिंग पीरियड पीरियड बोल बोल दो दो कलेक्शन डेटर्स को टाइम लगेगा अगर मैं सभी को जोड़ दूं तो ये बन जाता है हमारा क्या ऑपरेटिंग साइकिल क्या बन जाता है बोलो बेटा ऑपरेटिंग साइकिल आइए जरा जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां पर हमें क्या दे रखा है कि रॉ मेटेरियल में हमारा पैसा फंसा रहता है तीन महीने वर्क इन प्रोग्रेस में कितना एक महीने फिनिश गुड्स में चार महीने और डेटस में छह महीने तो सबको जोड़ दो वेरी सिंपल मंथ्स मंथ्स आइए जी तो रॉ मेटेरियल में कितना तीन बेटा तीन एक चार छ यही है ना तीन एक चार छ तीन एक, चार चार, चार आठ और छह चौदह चौदह महीने दिस इज ऑपरेटिंग साइकिल फोर्टीन मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल ध्यान रखना बेटे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर अगर रिकवरी हो जाती है तो वो हमारे करंट असेस है अब अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल बारह महीने से छोटा है तो हम बारह महीने का वेट करते हैं और अगर मान लिया वो ओपनिंग साइकिल बारह महीने से ज्यादा का है तो हम ऑपरिटिंग साइकिल का वेट करेंगे यानी कि हमारे करंट क्राइटेरिया क्या रहेगा महीने या ऑपरेटिंग साइकिल एवर इज आइए जरा अगला क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ध्यान रखना क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने बहुत सोच समझ के बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिकली कर रखा है आपको बस तरीके से उस चीज को करके चलना है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व अच्छा ये थोड़ा सा टैब ना यहाँ पे गलत लग गया है क्वेश्चन नंबर पर इसके बाद में ये इतना पार्ट जो है ना ये क्वेश्चन नंबर का एक्चुअली नीचे ठीक है ना ये थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हम इससे ऊपर पार्ट देखेंगे चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? में हमें क्या दे रखा है अलग अलग केस है बेटे अलग अलग केस है और हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि वो करंट एसेस है या नहीं ठीक है या नॉन करंट एसेस है तो आइए फटाफट हम इसको कैसे लिखेंगे आंसर आंसर नंबर ट्वेल्व ये है जी अलग अलग केसेस और ऑपरेटिंग साइकिल और रियलाइजेशन पीरियड एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड बेटे यहां पे शुरू की दो कंडीशन के बेस पर है सारी बातें देखिए स्टेटमेंट शोइंग करंट एंड नॉन करंट असेट्स बेटा केसेस थोड़ा हाथ तेज चलाना ठीक है ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल और ये हमारा एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन तो ये जरा अलग अलग केसेस हैं बेटा नोट करो जल्दी जल्दी और करो अलग अलग केसेस हैं बुक में बिल्कुल सही प्रिंटेड है अच्छा तुम्हारे में सही प्रिंटेड है अच्छा मुझे खराब दे दी इसका मतलब ओ। अच्छा एक्चुअली क्या है ना कि मैंने ही खुद इसको कन्वर्ट की थी चलिए आइए जरा तो देखिए बेटा ध्यान से केस नंबर कौन कौन से हैं जी वन टू थ्री फोर फाइव तो बेटा वन टू थ्री फोर फाइव हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल क्या है जी ग्यारह महीने कितने ग्यारह 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 चौदह चौदह ग्यारह महीने ग्यारह महीने ग्यारह महीने चौदह महीने फिर चौदह महीने ये हमारे पास में क्वेश्चन है अलग अलग केसेस का ये किसमें बेटा मंथ्स यहाँ पे क्या दे रखे हैं सारे के सारे मंथ्स वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर देखते हैं अच्छा एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन दस बारह तेरह तेरह पंद्रह पंद्रह ये हमारी असट का टाइप है ये करंट है या नॉन करंट अट्स है आइए जी जो एक्सपेक्टेड टू रियलाइज है वो कितने महीने में है

इन दोनों में से जो हायर है 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल क्या कहा मैंने 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल जो दोनों में से हायर है फिर कंपैरिजन करो एक्सपेक्टेड टू तो रिलाइज का मतलब इन दोनों में हायर क्या है जी सर 12 और 11 में हायर तो सर 11 है बेटे ये बात मन, -मन में करनी है एग्जाम में लिख के नहीं करनी पेंसिल से लिख लेना तो 12 महीने या फिर 11 महीने दोनों में से हायर क्या है ओहो पे 12 महीने तो हम इससे कंपैरिजन करेंगे अरे ये तो 12 महीने हायर आया यहां पर हायर क्या आया बारह और में से यहाँ पे हायर क्या आया बारह यहाँ पे क्या हायर आया चौदह महीने यहाँ पे हायर क्या आया चौदह महीने तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे हायर से अब इसका कंपैरिजन किया जाएगा इनका किससे रियलाइजेशन से तो दस महीने

जो हायर है हमारा उससे भी बाहर चला गया यानी कि ये हमारा क्या है बेटा नॉन नॉन करंट करंट मजा तब है जब ये चैप्टर बच्चे लाइव में करें आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी नहीं करेंगे लाइव में तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा नुकसान तो कुछ होगा नहीं आइए जरा मैं क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ लेता हूँ मेरी वाली बुक में थोड़ा सा ये थोड़ा टेढ़ा मेढा है ये ट्रेड पेबल के लिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन ठीक है आइए जरा क्वेश्चन नंबर थर्टीन लिखिए जी क्वेश्चन नंबर थर्टीन आंसर नंबर थर्टीन आगे जी हमारा आंसर नंबर थर्टीन कितने केसेस हैं यहां पर इसमें एक दो तीन चार पांच तो बेटा फटाफट से करो स्पीड बढ़ा के एक दो, एक, दो एक, दो लो जी, एक दो तीन चार पाँच 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 बेटा या तो सी ए होगा या फिर नॉन सी ए होगा हाँ जी केसेस बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाना ऑपरेटिंग साइकिल और एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन केसेस वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री वेरी गुडी बहुत बढ़िया हाँ जी वन टू थ्री फोर फाइव ग्यारह 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 चौदह चौदह लो जी ग्यारह 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 चौदह और चौदह महीने ये सब क्या बेटे मंथस जी एक्सपेक्टेड रिलेशन कितना है जी हमारा दस बारह तेरह तेरह पंद्रह दस दस बारह तेरह तेरह पंद्रह तेरह तेरह और पंद्रह चलिए जी आगे बढ़ते हैं करंट और नॉन कंडीशन बताओ बेटे हाइयर साइड कहां से लोगे ऑपरेटिंग साइकिल ग्यारह है कम्पेरिजन किससे करेंगे बेटे ट्वेल्व मंथ्स और इलेवन मंथ एवर इज हाइयर बेटे अबगर लिखेंगे नहीं अबगर मन मन में करेंगे ठीक है तो पहले वाले केस में मैंने देखा ग्यारह महीने ऑपरेटिंग साइकिल है और बारह महीने यहाँ पर जो है क्या क्या मैंने ग्यारह महीने ऑपरेटिंग साइकिल है और बेटा बारह महीने क्या है वहां पर ट्वेल्व uh, मंथ्स वाले कंडीशन तो दोनों में से ज्यादा क्या आएगा ट्वेल्व तो ट्वेल्व मंथ्स को चेक करेंगे अब पहले वाले केस में क्या हो गया हमारी बन गई करंट अशेयर्स दूसरे वाले केस में भी हमारे करंट असर्ट्स बन जाएगी क्योंकि ट्वेल्व मंथ्स और इलेवन दोनों में से हायर तो ट्वेल्व ही रहेगा तीसरे वाले केस में भी हायर हमारा ट्वेल्व रहेगा इन तीनों केस में हमारा जो हायर है इन तीनों केस में हमारा हायर जो है वो ट्वेल्व रहेगा तो हम कंपेरिजन कैसे करेंगे ट्वेल्व से करेंगे और तेरह महीने है यानी कि ट्वेल्व से ज्यादा है यानी कि बेटा हमारा नॉन करंट असेट अगले की बात करूं तो ट्वेल्व मंथ्स और फोर्टीन मंथ दोनों में हायर क्या रहेगा यहाँ पर यहाँ पे दोनों में हायर क्या रहेगा फोर्टीन मंथ्स तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे दोनों केस में 14 मंथ्स तो so 14 मंथ से कंपैरिजन हमने किया कि 30 मंथ्स में कवर हो जाएगा हमारी करंट एसेट्स और 15 में होगा तो हमारी नॉन करंट एसेट्स वेरी गुड बेटा सही आंसर ये हुई ना बात शुद्धि आइए जरा अब हम चलते हैं आगे तो ये था हमारा 12th और हमारा 13 ये था हमारा बेटे 12th और 13 आइए जरा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे आप होमवर्क लिख दो क्या आपको ये मैं आपको होमवर्क दे दूं क्योंकि यहां पर आपको एक चीज देखना होगा क्या यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा चलो जी एक लाइन बता करके मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन तो चलो आप खुद कर लोगे देख लोगे कि भाई ये कब कब रियलाइजेबल है इधर एफडी एक बात ध्यान रखना एफडी जो है ना एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा हमेशा कैश इक्विवेलेंट रहती है क्या रहती है हमेशा हमेशा एफ डी हमारा क्या रहती है बेटे कैश के इक्वलेंट रहती है तो आप ध्यान रखना कैश के रहती है ठीक है तो वो हमारा हमेशा कहाँ पे आएगी में बशर्ते उस पर लगी हो ठीक है चलिए तो मिलते हैं आपके लिए होमवर्क है जी नंबर एक ये वाला होमवर्क अभी हम अपनी क्लास करेंगे थोड़ी देर के बाद में लगभग साढ़े तीन बजे के आसपास नहीं साढ़े तीन नहीं दो बजे तक ये भी आपके लिए होमवर्क है अभी और कोई होमवर्क नहीं बस ये दोनों तीनों होमवर्क है हमारे बस ठीक है ये दोनों क्वेश्चन हमारे होमवर्क नहीं हालांकि हम लोग तो इसको आज ही करने वाले हैं ठीक है तो कोई नहीं जी हमने अभी तक क्या देखा आइए एक बार क्विक रिकॉल करें फिर हम लोग क्लास को पैक करेंगे हमने आज क्लास में क्या देखा हमने आज क्लास में क्या देखा हमने देखा कि भाई शेड्यूल थर्ड के अंदर हमारा शेड्यूल थर्ड के अंदर पैक करो इसको क्लास को पैक करो ढंग से शेड्यूल थर्ड में हमने क्या देखा कि हमारे दो पार्ट है पार्ट वन बैलेंस शीट पार्ट टू है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पर बैलेंस शीट में हमारे चार पार्ट होते हैं शेयर होल्डर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नॉन करंट करंटीज एंड प्रोविजन एंड करंट एंड प्रोविजन इधर एसेस में दो नॉन करंट करंट और कर यहाँ पर हम कर रहे हैं एक एक डिटेल शेयर होल्डर फंड में तीन चीज आएंगे शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस और क्या मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट ठीक है शेयर कैपिटल में सारी कैपिटल आएंगी इशूड सब्सक्राइब अप अप पेड ठीक है नेक्स्ट फिर है हमारा बेटा स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन इक्विटी रिजर्वेंस में हर रिजर्व का ओपनिंग क्लोजिंग सब चीजें बताई जाएगी ठीक है यहां पर ईसोप भी आएगा ये पॉइंट बस ध्यान रखना अच्छा फिर आए हमारे नॉन करंट लैबीज एंड करंट लैब्टीज लॉन्ग करंट बेटे चार हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स करंट लेफ्टीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ठीक है यहाँ पर डेफर्ड टैक्स एसेट्स है डेफर टैक्स लैबिटी है वहाँ पर ट्रेड पेबल है यहाँ पर अदर लॉन्ग टर्म ले और उधर अदर करंट लेप्टीज इधर लॉन्ग टर्म प्रोविजन और उधर शॉर्ट टर्म प्रोविजन ठीक है यहाँ पर एक अमेंडमेंट आई थी कि जो भी हमारी ऐसे लोन्स के अमाउंट है जो हमारी बस एक साल के अंदर अंदर पेपल है पहले उसको अदर करंट में दिखाया जाता था, था अब उसको हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाते हैं फिर इसके बाद में हमने पढ़ा कि नॉन करंट एसेट्स किसको कहते हैं लेकिन इसके बारे में हमने डिटेल में बात नहीं करी अगली क्लास में बात करेंगे करंट एसेट्स की बात करते हैं करंट एसेट्स कहने रहे क्या इसमें पॉइंट जो है करंट इन्वेस्टमेंट की एस थर्टीन भले ही हमें वैल्यू बताए लेकिन हम उसको कहां पे रखेंगे शॉर्ट टर्म में रखेंगे कहाँ पर शॉर्ट टर्म में यहाँ पर इधर

बैंक बैलेंस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है और फिर है हमारा अदर करंट एसेट्स एक बात ध्यान रखना किसी को हमने लोन दे रखा है वो रिकवरेबल है अगर वो 12 महीने के अंदर अंदर है तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा वो हमारा शॉर्ट टर्म में आएगा यहाँ पर अदरवाइज क्या होगा वो हमारा नॉन करंट में चला जाएगा नेक्स्ट इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा मैं हमने एक कंडीशन पढ़ी थी क्या नॉन करंट एसेट्स अभी रिवाइज करने पे ध्यान दो शुति है ना हां नॉन करंट एसेट्स मतलब जो करंट एसेट्स नहीं है नॉन करंट लायबिलिटीज जो नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है अब तो हमें बस एक ही चीज पढ़नी है क्या करंट और मतलब करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स की बात करते हैं तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 12 मंथ्स या फिर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल रियलाइज या कंज्यूम फिर और प्राइमली हेल्ड फॉर ट्रेड है ना फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड या फिर इट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट बशर्ते उसको रिस्ट्रिक्शन ना लग रखी हो क्या 12 मंथ के बात के लिए रियलाइजेबल के लिए

नेक्स्ट फिर इसके बाद में बात थी हमारी क्या फिर हमारी इसके बाद में बात जो थी वो क्या है लास्ट uh, अगर में राइट नहीं है कि उसको डेफर कर सकें तो सेटलमेंट uh, के लिए तो हमारे ऐसे केस में क्या होगा वो हमारी uh, राइट नहीं है तो हमारे बन के रह जाएगा तो इसी के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस कुछ किए थे बेटे कोई नहीं अभी हम लोग की भी बात करता हूं जाना मत चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा ये हमारी आज की क्लास हमारी यहीं पे ओवर होती है ठीक है ओके